गन्ने के रस से तैयार किया गया चीनी में आखिर हड्डी क्यों मिलाया जाता है? जबकि हमारे देश में एक साल में 35 मिलियन टन चीनी का उत्पादन होता है, उसमें से 27 मिलियन टन को खाने में यूज किया जाता है और इसके अलावा बफर स्टॉक पे 8 मिलियन टन को रखा गया है। इतने सब के बाद भी चीनी पर हड्डी क्यों मिलाया जा रहा है? तो आइए समझते हैं। इंडिया में सरकारी मिलों के अलावा भी प्राइवेट कोल्हुओं पर भी चीनी बनाई जाती है। सबसे पहले किसानों से गन्ने तौलकर चीनी मिलों पर उसे ले जाया जाता है, जिसमें पहले ही प्रोसेस में 85% तक रस को निकाल लिया जाता है और बाकी का रस निकालने के लिए इसे भाप में गर्म किया जाता है। इसे भाप में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें फंगस न लगे और रस गाढ़ा हो जाए, जो 60 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है और उसके बाद उसमें चूना और सल्फर मिलाया जाता है, जिससे उसकी सारी गंदगी और मट बाहर निकल जाए और उसके बाद इसे मशीन में दाना बनने के लिए डाल दिया जाता है और 1 क्विंटल गन्ने से 10 से 12 केजी तक चीनी बन जाती है। तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक 3 से 4 घंटे में चीनी बनकर तैयार हो जाती है। मीलों में 3 से 4 तरह की चीनी का आकार बनाया जाता है, जिसमें से सबसे छोटे वाले का यूज हम लोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गन्ने का रस तो सफेद नहीं होता, तो चीनी सफेद रंग का क्यों दिखाई देता है? गन्ने से शक्कर बनाने में शक्कर को सफेद करने के लिए हड्डियों के कोयले से प्रोसेसिंग कराया जाता है। अगर प्रोसेसिंग ना कराया जाए तो चीनी चमकदार और सुंदर दिखाई नहीं देगा और इस प्रोसेसिंग के दौरान गन्ने से विटामिन और मिनरल्स को निकाल लिया जाता है और बचता है ग्लूकोज और चीनी को हड्डियों के कोयले से छाना जाता है और शक्कर तैयार हो जाती है। बहुत बार चीनी का मिलावटी पहचान जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर में क्या फर्क होता है। ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर दोनों को ही गन्ने के रस से तैयार किया जाता है और दोनों को तैयार करने का तरीका भी लगभग एक तरह का है, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ ये होता है कि ब्राउन शुगर को तैयार करने के लिए इसमें गुड़ की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, जिसकी वजह से ये ब्राउन नजर आता है। और व्हाइट शुगर कैसे तैयार होता है आप तो जान ही गए हैं। जो चीनी में चौक पाउडर मिलाया जाता है उसे आप बड़े ही आसान से पता लगा सकते हैं। इसके लिए एक बर्तन में 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दें और उसके ऊपर रिसोर्स इनॉल डालें, उसे मिक्स करके कुछ देर छोड़ दें और कुछ देर के बाद चीनी का घोल लाल रंग की नजर आती है तो आप समझ जाएं कि उसमें चौक पाउडर मिलाया गया है। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।